आपको अगर अपने बालों को तेज़ी से लंबा और घना बनाना है तो एक बार ये हेयर मास्क ज़रूर ट्राई करना। इसके इस्तेमाल से आपके सर पे नए बाल आने लग जाएंगे और बालों में गजब की शाइन और बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप फेक वीडियो बनाती हो, तो ये इस रेमेडी को लगाने के बाद मेरे बालों पर रिजल्ट है जो कि मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और आप लोग मेरे बालों की लेंथ भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छी खासी है और बालों में चमक भी देख सकते हो। इसके यूज़ से आप लोग के बाल भी ऐसे ही लॉन्ग और काले होने स्टार्ट हो जाएंगे, बाल घने भी बनेंगे और बालों की ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। वीडियो अच्छी लगी आपको एंड में तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद भी आप लोग के बालों पर भी ऐसा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इस नुस्खे को इस्तेमाल करते हैं तो इसके आप लोग को बहुत सारे फ़ायदे भी मिलते हैं, जैसे कि अगर आप लोग के सर में डैंड्रफ की प्रॉब्लम बनी रहती है, पपड़ी जम जाती है डैंड्रफ की, या फिर सर में जुएं लीखे की प्रॉब्लम रहती है, तो ये भी आप लोग की प्रॉब्लम बिल्कुल से दी एंड हो जाएगी हमेशा के लिए। नेक्स्ट, अगर आप लोग हर दिन वॉश करते हैं अपने बालों को तो ऐसा ना करें। तरह तरह के शैम्पू कंडीशनर की जगह आप लोग ये हेयर मास्क ट्राई करना। और आप लोग को इसके साथ गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, हेयर वॉश के बाद गर्म पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें बालों को धोने के लिए, ये बालों को बहुत ज़्यादा बेकार कर देता है। नेक्स्ट है कि बालों की कटिंग आपको करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इससे क्या होता है, दो मुँह बाल आसानी से निकल जाते हैं और जो बालों की लेंथ होती है वो बढ़ने में तेज़ी से बढ़ने भी लगती है और बालों की ग्रोथ भी अच्छी बनी रहती है और बाल जो हैं वो अच्छे से और तेज़ी से ग्रो कर पाते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग मसाज नहीं कर पाते हो अपने बालों की, तो एक मसाजर ख़रीद लो, आसानी से आपको मार्केट मिल जाएगा, या फिर आप लोग घर पे ही 2 से 3 मिनट तक डेली मसाज करना स्टार्ट कर दो। इससे क्या होता है, जो बालों की जड़ें होती हैं वो अंदर से मजबूत बनती हैं, ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से नए बाल आने भी लगते हैं और बालों की ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगती है। तो मसाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना। नेक्स्ट, अगर आप लोग बाहर का खाना खाते हो बहुत ज़्यादा और उल्टा सीधा ही खाना खाते हो, तो ये आप लोग के स्किन के लिए और आप लोग के हेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान देता है, तो इसे आप लोगों को अवॉइड करना है। इसकी जगह पे आपने क्या खाना है, इस सब को छोड़ के आपने प्रोटीन वाली डाइट अपनी डेली लाइफस्टाइल में ऐड करनी है। देखो, हमारे बाल जो हैं वो प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं, तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, एग हो गया, नॉनवेज में आप एग खा सकते हो, एग में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। दालें हैं, हरी सब्जियाँ हैं, जैसे पालक है, मेथी है, तुरई है, हरी पत्तेदार सब्जियाँ सारी आपने अपनी डाइट में शामिल करनी है। नेक्स्ट, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा हीटिंग वाला ट्रीटमेंट कराते हो अपने बालों पर, तो आप लोगों ने इसे अवॉइड करना है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो नेचुरल ऑयल होते हैं हमारे बालों में मौजूद, वो हीटिंग की वजह से सब जल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा बेकार होने लगते हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम रहती है। देखो, हीटिंग के बाद थोड़ी बहुत शाइन बालों में आती है कुछ देर के लिए, लेकिन जब आप 2 से 3 बार हेयर वॉश करते हो तो आप लोग की बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है, तो इसे भी आपने अवॉइड करना है। नेक्स्ट है कि आप लोगों को 8 घंटे की नींद पूरी करनी ही करनी होगी, क्योंकि पता है जब तक हमारी नींद पूरी नहीं होगी तब तक हम अपना दिन अच्छे से बिता ही नहीं सकते। और अगर आप लोग मॉर्निंग में फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हो तो आप लोगों ने इसे अवॉइड कर देना है, क्योंकि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग किसी भी काम को नहीं कर पाते। ऐसे में आपने क्या करना है, इस सब को छोड़ छाड़ के आपने अपने बेड को जल्दी ही छोड़ देना है और आपने करनी है योगा एक्सरसाइज। 2 से 3 एक्सरसाइज ऐसी हैं जो कि आपके बालों की ग्रोथ के लिए और आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, जैसे बलायम हो गया, ये बालों की जड़ों को मजबूत करके बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्ट्रॉन्ग करता है। तो आपने इस रेमेडी को किस तरीके से तैयार करना है, हफ्ते में कितनी बार लगाना है, टोटल डिटेल शेयर करूँगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। सबसे पहले आपने ना दही ले लेना है, खट्टा दही 2 से 3 चम्मच बड़े वाले। देखो, ये आपको आसानी से आपके घर में मिल जाएगा, ये बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और जिन लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम रहती है और बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, उन लोगों के लिए ये उसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, और दही उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। खास करके दही का हेयर मास्क हर किसी को लगाना चाहिए, क्योंकि ये बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है और बालों को हेल्दी बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट, हमने इसमें ऐड करना है आंवला पाउडर, ये आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगा। मैं भी ऑनलाइन मार्केट वाला ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि घर पर तैयार करना मेरे लिए आसान बात नहीं होती है, तो मार्केट वाला बेस्ट लगता है मुझे, ये काफ़ी अच्छा भी होता है। आपने क्या करना, 1 चम्मच के करीब आपने ले लेना है। अगर आप लोग के बालों की लेंथ थोड़ी कम है, यानी कि शॉर्ट हेयर आपके कंधे तक हैं, तो आपने लगभग 1 से 5 चम्मच के करीब ही आपने ऐड करना है। दही की क्वांटिटी भी आप अपने बालों के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है, और पानी ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखो, इसे लगाने का तरीका बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत सीधा प्रोसेस है। आपने इसे किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से अपने बालों पर छोड़ना है, और हेयर वॉश कैसे करना है, हेयर वॉश के बाद बालों की केयर कैसे करना है,
करनी है और कैसे आप लोग को रिजल्ट मिलेगा वो भी मैं आप लोग साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जिन लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम रहती है और सर में डैंड्रफ और जूं की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बनी रहती है, क्योंकि ये खास करके हेयर मास्क वालों की ग्रोथ को तो इंक्रीज़ करता ही है लेकिन इन सारी परेशानियों से भी छुटकारा दिलाता है। जिन लोगों के लॉन्ग हेयर नहीं हो पा रहे हैं और तेज़ी से बालों को लंबा करना चाह रहे हैं वो लोग इस नुस्खे को ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा आप लोग को देखने को रिजल्ट मिलेगा। देखो अब ये हमारा एकदम से मस्त वाला हेयर मास्क बन के तैयार हो गया। अब आपने किस तरीके से अपने बालों पर लगाना है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आपने इस हेयर मास्क को नहाने से लगभग एक घंटा पहले, जिस दिन आप लोग अपने बालों को वॉश करें उसके आपने एक घंटा पहले अपने बालों पर लगाना है और लगाकर अच्छे से बालों की जड़ों पर 2 से 3 मिनट तक मसाज करनी है, क्योंकि जब आंवला पाउडर है और जो हमारा इसमें दही ऐड है उसके जो अंदर से जो पोषक तत्व होते हैं जो अंदर ऑब्जर्व हो जाएंगे स्कैल्प में तो हमारे बालों की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी और हेल्दी होने लग जाएगी। इसके बाद आपने इसे ना एक घंटे के लिए छोड़ देना है बालों पर, अच्छे से बालों को कवर कर लें किसी भी कैप से या फिर किसी भी पन्नी से कवर कर लें और इसे लगाकर आपने धूप में नहीं जाना है, धूप में जाना आपने अवॉइड करना है इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद। उसके बाद आपने एक घंटा हो जाए जब ये हल्का सूख जाए आपके बालों पर अच्छे से लग जाए कंज्यूम हो जाए उसके बाद आप लोगों ने नॉर्मल पानी से अपने बालों को पहले वॉश करना है, अच्छे से मसलते हुए मालिश करते हुए बालों की अच्छे से वॉश कर लें। उसके बाद आपने एक बारी हल्के शैम्पू से अपने बालों को वॉश करना है। देखो माइल्ड शैम्पू आपने यूज़ करना है, नहीं है तो शैम्पू को पानी में अच्छे से घोल के डाइल्यूट कर लें उसे अच्छे से एक मग के पानी में, उसके बाद आपने उस शैम्पू से अपने बालों को वॉश करना है। देखो डायरेक्ट शैम्पू स्कैल्प पे कभी नहीं लगाना चाहिए, बहुत ज़्यादा नुकसान देता है हमारे हेयर्स की जड़ों को और बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। ऐसे में इससे बचने के लिए हमेशा शैम्पू को पानी में घोल कर ही अपने बालों पर अप्लाई करना चाहिए। इससे एक तो शैम्पू जो है वो माइल्ड हो जाता है, बालों की ग्रोथ को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया और बाल हेल्दी भी रहते हैं। ठीक है, आपने हेयर वॉश कर लिया, हेयर वॉश के बाद आप लोगों के इसके बहुत सारे बेनिफिट होंगे। सबसे पहले तो देखो आप लोग के डैंड्रफ जो है वो एक ही बारी में रिमूव हो जाएगा, प्लस आप लोगों के जो बालों में शाइन नहीं रहती है ना, बालों की शाइन चली जाती है वो भी नहीं जाएगी और बालों में शाइन आ जाएगी आप लोग के, बहुत अच्छी हो जाएगी। प्लस आप लोगों ने इस रेमेडी को हफ्ते में कितनी बार लगाना है वो भी मैं आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखो जो लोग हफ्ते में ज़्यादा टाइम नहीं है, जिन लोगों के पास वक्त नहीं रहता है, वो कम से कम 2 बारी इस रेमेडी को यूज़ ज़रूर करना, 2 बारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोगों ने क्या करना, डिसाइड कर लेना है आप लोगों ने कि आप लोग कितने दिन के गैप पर इसे अप्लाई कर सकते हो, जैसे 2 दिन के गैप पर या फिर 3 दिन के गैप पर। अगर 2 दिन के गैप पर आप लोग इसे लगा सकते हो तो हफ्ते में कम से कम 3 बार अप्लाई करो, और नहीं कर सकते हो तो 2 बारी तो आपने हफ्ते में लगाना ही है। और इस नुस्खे से आप लोग को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। आप लोग मुझे आगे थैंक यू तो ज़रूर बोलोगे कमेंट में। अब देखो आप लोगों ने हेयर वॉश के बाद किस तरीके से बालों की केयर करनी है वो भी शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, बालों को वॉश करने के बाद अपने बालों को ना किसी भी सूती कपड़े में टॉवल से बांध लेना है। उसके बाद आप लोगों ने जब आप लोग के बाल सूख जाएँ, हाफ ड्राई हो जाएँ, तब अपने बालों को 2 सेक्शन में अपने हाथों से अच्छे से डिटेंगल कर लो। उसके बाद आपने बड़े दांत वाली कंघी लेनी है, वुडन कॉम का आपने यूज़ करना है, लकड़ी की कंघी का। मैं यहाँ पर नीम की बनी हुई जो लकड़ी की कंघी है वो इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बालों में शाइन लाने में भी हेल्प करती है और हेयर फॉल को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है। प्लस वुडन कॉम में नेचुरल ऑयल होते हैं जो कि बालों की बहुत ज़्यादा अच्छा भी रखने में हेल्प करते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, कंघी से धीरे धीरे अपने बालों को नीचे से ऊपर की ओर अच्छे से डिटेंगल करना है ताकि जो आप लोग के बाल हैं वो सुलझ जाए। देखो जो बड़े दांत वाली कंघी होती है वो हेयर फॉल को बहुत ज़्यादा कम करती है, बालों को बहुत कम डैमेज करती है। ठीक है, तो आपने क्या करना, 1 से 2 मिनट तक वुडन कॉम से, बड़े दांत वाले कंघी है आप लोग के पास प्लास्टिक की है कोई बात नहीं, उसी से ही 1 से 2 मिनट तक कॉम करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है और बालों की जड़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहता है। और आप लोग देखोगे ना कि आप लोग का जो हेयर फॉल है वो बहुत कम होगा, आप लोग मेरा देखो 2 से 3 वाली टूट कर आए हैं। उसके बाद आपने लेना है यहाँ पर कोकोनट ऑयल, यानी कि नारियल तेल, नहीं है तो आप लोग जो भी हेयर ऑयल अपने बालों के लिए यूज़ कर सकते हैं वो ले लेना है। और अपने हल्के बैट यानी कि गीले बालों पर आपने इसे अच्छे से टैप टैप करके लगा लेना है। देखो हेयर वॉश के बाद जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा रूखे रूखे से और बेजान से हो जाते हैं वो नहीं रहेंगे, बालों में अच्छी शाइन भी रहेगी और बाल चमकदार भी बनने शुरू हो जाएंगे। आप लोगों से देखो बहुत ज़्यादा अच्छा आप लोग को रिजल्ट मिलेगा, फाइनल रिजल्ट तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही दिखा चुकी हूँ बट एक बार आप लोग फिर से देख लो। मेरा नाम प्रियंका है और ये रेमेडी मैं अपने बालों पर ट्राई कर चुकी हूँ, उसके बाद ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग मेरे बालों को देखो, अच्छे से देख लो,
कोई भी मुझे जल्दी नहीं है, इसलिए मैं आप लोग को आराम आराम से दिखा रही हूँ। देखो एक एक बाल देखो आप लोग, मेरा एकदम से काला है, बालों की शाइन देखो आप लोग, और बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे आप लोग के। और बाल आप लोग के अगर पतले रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा थिन हैं, तो आप लोग के बाल थिक होने स्टार्ट हो जाएंगे, मोटे होने लग जाएंगे। आप लोग को खुद महसूस हो जाएगा कि हमारे बाल मोटे हो रहे हैं, पहली बारी में ही आप लोग को एहसास हो जाएगा कि आप लोग का जो हेयर फॉल है वो कम हुआ है, और बालों की ग्रोथ भी जो है वो अच्छी होने लगी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, जब आप लोग ये रेमेडी यूज़ करें तो कमेंट ज़रूर करना, और ये वीडियो अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना, बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।